भगत के बस में हैं भगवान। दोस्तों, धन्ना जी का जन्म एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। इनके पिताजी मुख्य रूप से खेती करते थे और गायों का पालन किया करते थे। एक दिन धन्ना जी के परिवार के कुलगुरु, जिनका नाम था पंडित त्रिलोचन, वे तीर्थ यात्रा करके लौटे और कुछ दिनों के लिए धन्ना जी के घर पर रुक गए। पंडित जी त्रिलोचन शालिग्राम भगवान की सेवा किया करते थे। वे बड़े भाव से भगवान शालिग्राम की शिला की सेवा करते, उनको पुष्प चढ़ाते, उन्हें भोग लगाते और भगवान को भोग लगाने के बाद ही वे पंडित जी हमेशा भोजन ग्रहण करते थे। बालक धन्ना पंडित जी को यह सब करते हुए देखता था। उसे भगवान की सेवा बड़ी अच्छी लगती थी। जब पंडित जी भगवान की सेवा करते तो धन्ना को बड़ा ही सुकून मिलने लगता। कुछ दिनों के बाद जब पंडित जी जाने लगे, तब बालक धन्ना पंडित जी से शालिग्राम भगवान के लिए जिद करने लगा। कहने लगे कि मुझे ठाकुर जी चाहिए, मुझे ठाकुर जी चाहिए। परंतु पंडित जी अपने ठाकुर जी छोटे से बालक को कैसे दे सकते थे। धन्ना जी को उनके माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु धन्ना जी नहीं माने। अंत में लोगों ने पंडित जी से कहा कि अरे, यह तो बालक है, इसे शालिग्राम जैसा कुछ और दे करके बहला फुसला दो। अगले दिन पंडित जी नदी में स्नान करने गए। वहां से वे एक गोल मटोल थोड़ा बड़ा सा काले रंग का पत्थर लेकर के आए। तब वह धन्ना जी के पास आकर बोले, मैं तुम्हें अपने ठाकुर जी को दे दूंगा, लेकिन मेरे पास दो ठाकुर जी हैं, बड़े ठाकुर जी और छोटे ठाकुर जी। तुम्हें कौन से ठाकुर जी चाहिए? धन्ना जी ने झट से जवाब दिया, मुझे तो बड़े ठाकुर जी चाहिए। पंडित जी भी यही चाहते थे। तब पंडित जी ने धन्ना जी को वह बड़ा काला पत्थर जो बड़े ठाकुर जी को बता करके दे दिया। अब ठाकुर जी को पाकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हो गए। वे बड़े भाव से उनकी सेवा करने लगे। जब धन्ना जी गाय चराने खेतों की तरफ जाते तो ठाकुर जी को अपने साथ ले जाते। धन्ना जी की माँ ने उनको बाजरे की रोटी, साग, अचार और गुड़ खाने के लिए दिया। अब धन्ना जी ने भी निश्चय किया कि वे भी पंडित जी की तरह ही ठाकुर जी को जब तक भोग नहीं लगाएंगे और जब तक ठाकुर जी को खिला नहीं लेंगे, तब तक वे खुद भी भोजन नहीं करेंगे। धन्ना जी जब खेत में पहुंचे तो प्रेम से ठाकुर जी को पुकार करके कहने लगे कि ठाकुर जी, जब तक आप भोग नहीं लगाएंगे, तब तक मैं भोग नहीं लगाऊंगा। धन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक ठाकुर जी प्रकट होकर भोग नहीं लगाते, वे भी भोजन का एक टुकड़ा ग्रहण नहीं करेंगे। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना जी ने शाम को वह रोटी गाय को खिला दिया। 3 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। न ठाकुर जी भोग लगाते और न धन्ना जी भोजन करते। 4th दिन की बात है, धन्ना जी की माता फिर से रोटी लेकर आई। अब धन्ना जी के खेतों में जोर जोर से धन्ना जी जा करके रोने लगे और ठाकुर जी से गुहार लगाने लगे। वे बोले, आप तो बड़े ठाकुर जी हैं, आपको तो लोग रोज 56 प्रकार का भोजन खिलाते होंगे, परंतु मैं तो बालक हूँ, 3 दिन से भूखा हूँ और परेशान हूँ। आपको मुझ पर दया भी नहीं आती क्या? मुझ पर दया करके ही थोड़ा भोग लगा लो, जिससे मैं भी कुछ खा सकूं, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि आपको खिलाए बिना मैं कुछ नहीं खा सकता, इसलिए पहले आप खा लो, इसके बाद ही मैं खाऊंगा। धन्ना जी की भोलेपन से की गई प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। अपने ठाकुर जी को देखकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने ठाकुर जी को माँ की दी हुई बाजरे की रोटी, साग और गुड़ खाने को दे दिया। ठाकुर जी बड़े चाव से रोटी खाने लगे। 4 रोटियों में से 2 रोटी ठाकुर जी ने खा लिया। अब ठाकुर जी 3री रोटी को खाने लगे, तब धन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, सारी रोटियां आप ही खा जाएंगे क्या? मुझे तो भी भूख लगी है, तो मैं कैसे खाऊंगा? मैं तो 4 दिनों से भूखा हूं, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। 2 रोटी आपने खा ली, अब 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दो। इसके बाद ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बची हुई 2 रोटियां धन्ना जी ने खाई जो ठाकुर जी ने छोड़ी थी। अब तो उनका यह रोज का नियम बन गया। धन्ना जी जब भी गाय चराने जाते तो भोजन खेत में जाकर के ठाकुर जी के साथ ही करते। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा कि तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता, मैं तुम्हारा कोई काम कर दिया करूंगा। धन्ना जी ने कहा, मैं तो बालक हूँ, केवल गाय ही चराता हूँ, मैं आपको क्या काम बता सकता हूँ। तब ठाकुर जी ने कहा कि मैं तुम्हारी गाय ही चरा दिया करूंगा। उस दिन के बाद से ठाकुर जी धन्ना जी की गाय चराने लगे। एक दिन धन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा, आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते? तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष हो गया हूँ, लेकिन पूरी तरह से मैं तब मिलता हूँ जब कोई सदगुरु जीव को अपना लेता है। अभी तुम अपने किसी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं की है,
इसीलिए मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता। तब धन्ना जी बोले, मैं जो जानता नहीं कि गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं अपने गुरु कैसे बनाऊं। ठाकुर जी बोले, काशी में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य मेरे ही स्वरूप में विराजमान हैं, तुम जाकर उनकी शरण ग्रहण करो। ठाकुर जी के कहने के अनुसार धन्ना जी ने काशी जाकर रामानंदाचार्य जी की शरणागत ग्रहण कर ली। उस समय धन्ना जी की आयु लगभग 15-16 साल के आसपास थी। श्री रामानंदाचार्य जी ने धन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि अब तुम अपने घर चले जाओ। धन्ना जी बोले, गुरु जी, अब मैं घर नहीं जाना चाहता, आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं? गुरु जी बोले, अगर तुम यहाँ रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती किसानी करते हुए अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ कई जीवों का उद्धार हो जाएगा। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार धन्ना जी घर को लौट आए। इसके बाद जैसे ही धन्ना जी घर पहुंचे, ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद धन्ना जी खूब संत की सेवा करने लगे। जब भी उनके गांव में कोई साधु संत आता, धन्ना जी उन्हें अपने घर में ले आते और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते, उन्हें भोजन खिलाते। संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर दूर दूर से साधु संत आने लगे। धन्ना जी उन सभी का बड़े प्रेम से सत्कार करते और उन सभी को भोजन खिलाते। एक दिन की बात है, धन्ना जी के पिता ने धन्ना जी से कहा कि देखो भाई, हम लोग गृहस्थ हैं, यदि महीने में एक आध बार कोई साधु आ जाए तो हम उसकी सेवा भी कर दें और उन्हें भोजन भी करवा दें, लेकिन तुम्हारी इन साधुओं से ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई न कोई साधु चला आता है और अपने साथ एक दो और को भी ले आता है, या ठीक नहीं है। हम अपनी खेती बाड़ी का काम करें या इन साधुओं की सेवा करें? तुम तो अभी बालक हो, कुछ कमाते नहीं हो, तुम्हारा पालन पोषण भी हम ही करते हैं और ऊपर से तुम साधुओं को बुला लाते हो, इस प्रकार इन निठल्ले साधुओं की सेवा करना ठीक नहीं है। इसलिए एक बात कान खोल कर सुन लो, आज के बाद यदि तुम किसी साधु को लेकर के घर को आए तो मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। तुम्हें यदि साधु की सेवा करनी है तो पहले कुछ कमाई करो, फिर अपनी कमाई से साधु की सेवा करना। पिताजी की बात को सुनकर धन्ना जी उदास हो गए और चुपचाप खड़े हो गए। तब पिताजी ने धन्ना को डांटते हुए कहा, आज के बाद किसी साधु को घर में लेकर के मत आना और जाओ खेत में गेहूं बो करके आ जाओ। खेत तैयार है, बोरी में गेहूं का बीज रखा है, इसे बैलगाड़ी में लादो, ले जाओ और खेत बो दो। धन्ना जी ने बैलगाड़ी में गेहूं रखा और खेत में बोने के लिए चल दिए। धन्ना जी थोड़ी ही दूर चले थे कि उन्हें मार्ग में कुछ साधुओं की टोली आती दिखाई दी। धन्ना जी ने बैलगाड़ी से उतरकर उन साधुओं को साष्टांग प्रणाम किया। संतों ने धन्ना जी को आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा, इस गांव में धन्ना जी का कौन सा घर है? सुना है वे जगत गुरु रामानंदाचार्य के शिष्य हैं और बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया है, हम भी उनका दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनकर धन्ना जी संकोच में पड़ गए और वे हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले, महाराज, मुझे ही लोग धन्ना भगत कहते हैं। संत बोले, भगवान ने बड़ी कृपा की, हम जिनसे मिलने आए थे वो यही मिल गए, निश्चित आप ऐसे ही भक्त हैं जैसा आपके विषय में सुना था, कितनी विनम्रता है आप में, चलिए आपके घर चलते हैं, वहीं बैठकर आपसे चर्चा करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। धन्ना जी ने सोचा, अभी पिताजी ने साधुओं को घर लाने से मना किया है, यदि मैं खेतों में बीज बोने के बजाय इन साधु संतों को घर ले गया तो पिताजी आसमान सिर पर उठा लेंगे और इन साधुओं को भी भगा देंगे। तब धन्ना जी कुछ विचार करके बोले, महाराज, अभी घर में कोई नहीं है, मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ वहीं चलिए। संत बोले, ठीक है, हमें तो आपसे मिलना था और आप जहाँ भी ले चले हम वहीं चलेंगे। फिर धन्ना जी उन सभी को खेत पर के लेकर के चले गए। खेत में एक पेड़ के नीचे बने हुए चबूतरे पर साधुओं को बैठा करके बोले, महाराज, आप यहीं पर कुछ देर तक विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करता हूँ। इतना कहकर धन्ना जी वहां से बैलगाड़ी लेकर के चले गए। बैलगाड़ी लेकर धन्ना जी सीधे बनिया की दुकान पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने बैलगाड़ी में जो भी बीज गेहूं खेत में बोने के लिए रखा था उसे बनिया को बेच दिया और उसी से दाल चावल और जो भी उससे बनने वाला पदार्थ था, चूरमा, सारा सामान खरीद लिया। सामान लेकर धन्ना जी खेत पहुंचे। वहां पर संतों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया दाल बाटी और चूरमे का प्रसाद बनाया। भगवान को भी भोग लगाने के बाद बड़े प्रेम से संत और धन्ना जी बैठ करके भोजन किया।
इसी बीच भगवान की चर्चा भी होती रही। संतों को भोजन करवाने के बाद बड़े प्रेम से धन्ना जी ने उनको विदा कर दिया। संतों के जाने के बाद धन्ना जी सोचने लगे कि बीज वाले गेहूं को तो बेच करके मैंने संतों को भोजन करा दिया, अब खेत में क्या बोया जाए। अगर पिताजी बीज मांगेंगे तो मैं कहां से बीज ला करके दे दूंगा, और यदि खेत में कुछ पैदा नहीं हुआ तो मैं पिताजी को कौन सा जवाब दूंगा। यही सोच करके धन्ना जी ने बोरियों में रेत भरी और आसपास के लोगों को दिखाने के लिए उसी रेत को वे खेत में बोने लगे। सुबह से शाम तक सारी बोरियां जो रेत की बनाई थी, धन्ना जी ने जो बोरियों में रेत को भरा था वे सब खेत में छिड़क दी। आसपास के खेतों के किसान देख रहे थे कि धन्ना जी खेतों में गेहूं बो रहे हैं, परंतु वो तो खेतों में रेत बो रहे थे। खेत बोने के बाद धन्ना जी बड़े प्रसन्न मन से घर की ओर चल दिए। वे सोचने लगे खेत में तो कुछ उगना नहीं है तो देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। और पिताजी ने पूछा कि खेत बो आए। धन्ना जी जब घर पहुंचे तो बोले कि पिताजी मैं खेत को बो आया हूँ। कुछ दिन बीते, धन्ना जी के पिताजी और गांव के कुछ बड़े बूढ़े लोग धन्ना जी के पास आए और बोले कि तुमने कैसा खेत बोया है, ऐसी फसल तो हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे गेहूं का एक एक दाना नाप नाप करके एक समान दूरी पर बोया गया है और सारे ही दाने उगाए हैं। इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी, ये सब तुमने कैसे किया। धन्ना जी सोचने लगे ये सब तो उनको ताने मार रहे हैं, खेत में कुछ उगा नहीं होगा इसीलिए ऐसी बातें ये सब कह रहे हैं। तब धन्ना जी आश्चर्यचकित होकर के स्वयं खेत पर जाकर के देखा तो वहां जाकर वे जब पहुंचे तो बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहां पर फसल उगाई थी और एक सुंदर फसल उन्होंने भी कभी नहीं देखी थी। फसल को देखकर धन्ना जी भगवान की कृपा का एहसास हुआ और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। धन्ना जी जोर जोर से रोने लगे। जब धन्ना जी के पिता और अन्य गांव वाले ने रोने का कारण पूछा तब धन्ना ने रोते हुए सारी घटना कह सुनाई। धन्ना जी बोले, पिताजी जब आपने संतों को घर लाने के लिए मना किया था और खेत बोने के लिए गेहूं दिया था, उसी दिन मुझे मार्ग में कुछ संत मिले। मैंने उन संतों को अपने घर में नहीं लाया और खेत पर ठहरा करके जो भी बीज मैंने बोने के लिए गेहूं लिया था वो सब बनिए की दुकान पर बेच करके मैंने संतों को भोजन करवा दिया। इसके बाद मैंने लोगों को दिखाने के लिए खेत में रेत को बो दिया, फिर यह फसल कैसे उगाई मुझे नहीं मालूम, यह कैसे हो गया। धन्ना जी की बात सुनकर उनके पिताजी की आंखों में आंसू आ गए और वे बोले, मेरा धन्य भाग जो मेरे घर में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया। आज के बाद हम तुमको रोकेंगे नहीं, खूब साधु को बुलाओ, संतों की सेवा करो, हम तुम्हें अब कभी मना नहीं करेंगे। आज से मैं भगवान की भक्ति किया करूंगा और तुम्हारे साथ संतों की सेवा करूंगा। इसके बाद धन्ना जी और उनके परिवार वाले खूब संतों की सेवा करने लगे। कुछ समय बाद धन्ना जी की उगाई हुई फसल को काटने का समय आ गया। उस समय से उतने ही आकार की खेती से 50 गुना ज्यादा गेहूं निकला। यह गेहूं इतना ज्यादा था कि उसे रखने तक की जगह नहीं बची थी। गांव से सभी लोग धन्ना जी की फसल देख करके आश्चर्यचकित हो गए और सभी आश्चर्य करने लगे थे। अब धन्ना जी और उनका परिवार अपनी क्षमता के अनुसार खूब संत की सेवा और भगवान की भक्ति करने लगे। उनके घर हमेशा साधु संतों का तांता लगा रहता। साधु संतों की बड़ी बड़ी जमातें आती। धन्ना जी बड़े प्रेम से उन सभी का आदर सत्कार करते। अब धन्ना जी जब भी खेतों में फसल बोते हर बार ऐसे ही फसल होने लगी। अब धन्ना जी अपने गांव के बड़े किसान बन गए। गांव के सभी लोग धन्ना जी के चमत्कारी संत मानने लगे और उनके खेतों की मिट्टी को भी चमत्कारी मानने लगे। अब जिन लोगों के खेतों में पर्याप्त फसल नहीं होती वे लोग धन्ना जी के खेतों की मिट्टी को ले जाकर अपने खेतों में छिड़क लेते, जिससे उनकी फसल भी अच्छी होने लगी। चारों तरफ धन्ना जी की जय जयकार होने लगी। एक बार भगवान ने धन्ना जी की परीक्षा लेना चाहा। धन्ना जी गांव में अकाल पड़ गया। धन्ना जी बड़े किसान थे, उनके पास बहुत खेती थी और अन्न के भंडार भरे थे। अकाल के कारण उनके गांव और आसपास के क्षेत्रों के ब्राह्मण संत गरीब और जरूरतमंद लोग धन्ना जी के पास मदद की उम्मीद से आने लगे। धन्ना जी भी उन्हें दोनों हाथों से भंडार लुटाने लगे। कभी कोई जरूरतमंद उनके घर से खाली हाथ नहीं लौटा। धीरे धीरे धन्ना जी का अन्न भंडार समाप्त होने लगा, परंतु धन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक उनका सामर्थ्य है वे किसी भी जरूरतमंद को निराश नहीं करेंगे और सब कुछ बेचकर वे लोगों की मदद करेंगे। धन्ना जी की संत की सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन उनके पास संत के वेश में स्वयं ठाकुर जी आ गए। संत ने उन्हें तुम्बा
कमंडल बना करके दिया और कुछ लौकी के बीज दिए और उनको कहा कि धन्ना जी इन बीजों को अपने खेत में बो दो और जब इनकी फसल पक जाए तो उनसे जो भी प्राप्त हो उसे लोगों की सेवा में खर्च कर देना। धन्ना जी ने ऐसा ही किया। संत की आज्ञा से उन्होंने तुम्बा के बीज खेतों में बो दिए। गांव के लोग कहने लगे, लगता है धन्ना जी पागल हो गए हैं, ऐसे भीषण काल में फसल बो रहे हैं, परंतु वो भी तुम्बा की, इस कड़वी तुम्बा को जो पशु भी नहीं खाते या तो केवल कमंडल बनाने के काम में आता है। ऐसी फसल यदि उग भी गई, पैदा भी हो गई तो उसका क्या फायदा होगा। परंतु धन्ना जी ने संत के कहने के अनुसार अपने खेतों में तुम्बा लौकी के बीज बो दिए। कुछ दिन बाद तुम्बा की फसल उगाई। सभी लोग आश्चर्य करने लगे कि ऐसे भीषण अकाल में बिना पानी के कोई फसल कैसे उग सकती है। कुछ ही दिनों में धन्ना जी का खेत हरा भरा हो गया। इसी बीच धन्ना जी जरूरतमंदों की सेवा करते रहे। धन्ना जी ने अपना सारा अन्न भंडार लुटा दिया। उनके घर में जो भी फसल के बीज रखे थे वे सब उन्होंने संतों को भोजन के लिए दान कर दिया। अब उनके पास अपने परिवार के गुजारे के लायक भी अन्न नहीं बचा था। गांव के लोग कहने लगे, बड़ा मूर्ख है जो सारा अन्न लुटा दिया, अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं रखा और इसने फसल में बोई तो तुम्बा जिसे कोई खा भी नहीं सकता। धन्ना जी को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वे तो भगवान का नाम लेते रहते और लोगों की मदद करते रहते। एक दिन ऐसा आया जब धन्ना जी के खेतों में लगी फसल पक गई। उनके खेत में बड़े बड़े तुम्बा के फल दिख रहे थे। धन्ना जी ने सोचा, अब दान करने को तो कुछ भी है नहीं, अब इन तुम्बा से कमंडल बनाकर संतों को दिया करेंगे। धन्ना जी खेतों में लगे सभी तुम्बा के फल तोड़कर घर को ले आए। घर आकर जैसे ही उन्होंने एक तुम्बा को कमंडल बनाने के लिए काटा, उन्होंने देखा कि तुम्बा हीरे मोती जवाहरात और कीमती रत्नों से भरा हुआ था। तुम्बा को कीमती रत्नों से भरा हुआ देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। उनके पास तो तुम्बा की पूरी फसल थी। उन्होंने देखा सभी तुम्बों में ऐसे ही कीमती रत्न भरे हुए थे। अब उनके पास इतने कीमती रत्न और जवाहरात हो गए जिससे किसी राजा के पास शायद भी न हो। इस चमत्कार को देखने के बाद धन्ना जी को उन संतों की याद आई जिन्होंने उन्हें तुम्बा के बीज दिए थे। उस संत ने कहा था कि इस फसल से जो भी प्राप्त हो उसे लोगों की सेवा करना। अब धन्ना जी उस धन से लोगों की सेवा करने लगे। फिर वे दोनों हाथों से लोगों की मदद करने लगे। उस समय वह अकाल कई वर्षों तक चला। उस समय धन्ना जी ने अपने घर में और आसपास कई गांवों में लंगर शुरू करवा दिया। आसपास के सैकड़ों गांवों के लाखों लोग बरसों तक धन्ना जी के लंगर में तीनों समय का भोजन किया करते थे। धन्ना जी ने अपने जीवन में कई मंदिर, बावड़िया, तालाब और धर्मशाले भी बनवाए थे और हर तरह से साधु संत और जरूरतमंद लोगों की मदद करते थे। लोग धन्ना जी को धन्ना सेठ कहकर बुलाने लगे। धन्ना जी जैसा धनी आज तक कोई नहीं हुआ। वे धन और मन दोनों से धनी थे। आज भी उनके नाम पर धनी लोगों को धन्ना सेठ की पदवी दी जाती है और कहा जाता है, क्या तुम धन्ना सेठ हो गए। दोस्तों, यदि भगवान की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाए और उनका आशीर्वाद जिनको प्राप्त हो जाए, उनके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता, सब संभव हो जाता है। भगवान की कृपा धन्ना पर बनी और धन्ना धन्ना सेठ बन गए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना और कहानी यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।